How are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you SST of class 6, in which I will continue chapter number 4 of civics, which is local government. This is the second part of the video. So let's start. We have to start from here. Page number 156, organization of village panchayat. The Gram Sabha directly elects the Gram Panchayat. जो Gram Sabha होती है वो जो Gram Panchayat होती है उसको direct चुनाव करती है. Some seats are reserved for women and members of scheduled caste and scheduled tribes. कुछ उसमें seats होती हैं वो reserve होती हैं अनुसूचित महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होती हैं. The Gram Sabha elects a सरपंच और प्रधान. जो ग्राम सभा होती है वो एक सरपंच या फिर प्रधान उसको कहते हैं उनका चुनाव करती है. पंचायत मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. जो पंचायत के सदस्य होते हैं उन्हें 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है. पंचायत सेक्रेटरी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. और जो पंचायत सचिव होता है वो एक सरकारी कर्मचारी होता है. हिज जॉब इज टू कीप अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और उसका काम क्या होता है, जो आय और व्यय होती है, जो इनकम और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका हिसाब किताब रखना उसका काम होता है. ही कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग्स एंड द वर्क डन बाय द पंचायत. और वो जो है इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि कितनी मीटिंग्स हुई हैं और कितनी जो है कार्य हुए हैं, तो उसका वो रिकॉर्ड रखता है कि पंचायत ने क्या क्या काम किया. अब बात आती है फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं. कंपल्सरी फंक्शन मतलब ये वाले काम तो उनको करने ही करने हैं. लुक आफ्टर जनरल सैनिटेशन ऑफ द विलेज. गांव की स्वच्छता की देखभाल करना. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्रोच रोड्स एंड लेन्स. जो सड़क होते हैं और गली होते हैं उनके निर्माण कार्य करना और उनका रख रखाव करना. क्लीनलीनेस ऑफ पब्लिक वेल्स टैंक्स एंड अदर प्लेसेस. जो सार्वजनिक कुएं होते हैं, टैंक होते हैं और अन्य स्थान होते हैं, वहाँ की सफाई का ध्यान रखना. प्रोविजन ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को देखना. प्रोविजन ऑफ बुक्स रेडियोज टेलीविजन एट्सेट्रा एट द पंचायत घर. जो पंचायत घर होता है उसमें पुस्तकों रेडियो टेलीविजन आदि की व्यवस्था को देखना. नाउ ऑप्शनल फंक्शन. अब ऐसे काम वैकल्पिक जो कि ज़रूरत के हिसाब से किए जाते हैं. प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल हेल्प टू विलेज पीपल. जो गांव के जो लोग होते हैं उनको चिकित्सक की सहायता देना, उनको व्यवस्था देना. होल्डिंग फेयर्स एंड कैटल शो. मेले और पशु शो होते हैं उनको आयोजित करना. अरेंजिंग इम्प्रूव्ड सीड्स फर्टिलाइजर एट्सेट्रा. जो बीज होते हैं और जो उर्वरक होते हैं खाद्य होती है उनकी व्यवस्था करना. प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैटल. जो मवेशी होते हैं, कैटल होते हैं, उनके इलाज के लिए सुविधाएं प्रदान करना. नाउ न्याय पंचायत और पंचायती अदालत. अब न्याय पंचायत या पंचायती अदालतें क्या होती हैं. द न्याय पंचायत हैव बीन गिवन पावर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू सेटल माइनर डिस्प्यूट्स अमंग द विलेज पीपल. जो गाँव के लोगों के जो छोटे मोटे वाद विवाद होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए न्याय पंचायत ने मतलब जो राज्य की सरकारें होती हैं उन्होंने न्याय पंचायतों को ये अधिकार दिया है कि भाई छोटे मोटे डिस्प्यूट इनके सॉल्व कर सकें. जनरली दीज डिस्प्यूट्स रिलेट टू माइनर थेफ्ट्स, ट्रेपासिंग और ऑक्यूपेशन ऑफ वंस लैंड बाय सम अदर पर्सन. और जनरली ये जो इश्यूज़ होते हैं क्या होते हैं, छोटी मोटी चोरी या फिर किसी अगर कोई किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो इससे रिलेटेड होते हैं. इन दीज कोर्ट्स देयर इज़ नो नीड्स ऑफ लॉयर्स. और ऐसे जो कोर्ट होते हैं इनमें वकीलों की ज़रूरत नहीं होती है. द पंच नो द फैक्ट्स फर्स्ट हैंड. सबसे पहले तो जो पंच होते हैं वो पहले से ही तथ्यों को जानते हैं. दे कैन गिव डिसीजन क्विकली. और वो जल्दी इसके बारे में कोई भी अपना डिसीजन मतलब निर्णय दे सकते हैं. द पार्टीज डू नॉट हैव टू इनकर एक्सपेंडिचर एज द इन द केस ऑफ सिटी कोर्ट्स. जिस तरीके से शहर की अदालतों में पैसे खर्च करने पड़ते हैं लोगों को, उस तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है. द विलेजर्स टाइम इज सेव्ड एज दे डू नॉट हैव टू गो टू द सिटीज़ फॉर कोर्ट अटेंडेंस. और जो विलेजर्स होते हैं उनका समय बचता है
क्योंकि उन्हें जो है अदालत में हाजिरी के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ता है. इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट गिवन बाय द विलेज न्याय पंचायत ही कैन अपील टू द हायर कोर्ट्स. अगर वो विलेज की न्याय पंचायत के जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उससे नाखुश होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. ही कैन अपील टू द हाई कोर्ट्स. द न्याय पंचायत कैन लेवी फाइंस बट कैन नॉट सेंड एनीवन टू जेल. जो न्याय पंचायत है ये जुर्माना तो लगा सकती है लेकिन किसी को भी जेल में नहीं भेज सकती है. नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम्स ऑफ ग्राम पंचायत. अब ग्राम पंचायत के पास में पैसे कहाँ से आते हैं सारे काम करने के लिए. द पंचायत नीड मनी फॉर परफॉर्मिंग सिविक फंक्शन. जाहिर सी बात है कि पंचायत के जो लोग होते हैं, पंचायत को कामों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है. चाहे वो स्ट्रीट लाइट से संबंधित कोई काम हो, चाहे वो रोड सही करवाना हो, या एक्स वाई ज़ेड कोई भी काम हो, तो इसमें क्या होता है, पैसों की ज़रूरत होती है. देर इज़ रेवेन्यू फ्रॉम द ग्राम सभा और वो जो ग्राम सभा से राजस्व जो है वो जुटाते हैं. रेंट ऑफ लैंड ओन्ड बाय द ग्राम सभा. सबसे पहले तो जो गांव की सभा होती है उसकी जो स्वामित्व होती है उस भूमि का वो किराया लेते हैं. टैक्स ऑन विलेज मार्केट्स एंड फेयर. जो भी मेले और बाज़ार लगते हैं वहाँ पे उनसे वो टैक्स लेते हैं. टैक्सेस ऑन हाउसेज एंड शॉप्स और घरों पर और दुकानों पर वो कर लेते हैं. इस तरीके से वो पैसे जुटाते हैं. वुमेन पंचायत. द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टिव पोस्ट फॉर वुमेन. जो महिला और पंचायत संविधान है उसका मतलब 73वां संशोधन है उसके अधिनियम के तहत 1992 में महिलाओं के लिए वैकल्पिक पदों के आरक्षण का प्रावधान है. इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर वुमेन. ये मतलब प्रावधान रखा गया है कि महिलाओं के लिए कुल पदों की संख्या के जो है वो एक तिहाई से कम ना हो. इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट मेंबर्स ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल 3 tiers ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. लोकल गवर्नमेंट इंश्योर्स बेटर कोऑपरेशन फॉर द पीपल एज दे आर डायरेक्टली बेनिफिटेड फ्रॉम डेवलपमेंट वर्क. जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो लोगों के बेहतर सहयोग के लिए मतलब वो कोऑपरेशन करें ऐसा वो कोशिश करती है, वो सुनिश्चित करती है. क्योंकि जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं उससे यही लोग सीधे मतलब इनको प्रॉफिट मिलता है या इनको गेन होता है. ग्राम पंचायत इज़ द स्मॉलेस्ट इलेक्टेड यूनिट. जो ग्राम पंचायत है ये सबसे छोटी इलेक्टेड यूनिट है. ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द लोकल अफेयर्स ऑफ द विलेज. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. जो ग्राम पंचायत है ये गांव के जो लोकल जो वहाँ के ही स्थानीय जो भी अफेयर्स होते हैं उनको वो देखती है. इट ऑल्सो ट्राइज टू सेटल माइनर डिस्प्यूट्स. और ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स भेदभाव जो भी हो जाते हैं उनको मनमुटाव उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है, सेटल करती है. प्रधान और सरपंच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. सो दैट्स हाउ द चैप्टर इज कम्प्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस. दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. Thank you and have a nice day. Bye-bye.